आखिर कोई भी इंसान अपने जीवन से ऐसी क्या चीज चाहता है कि जब तक उसके जीवन का अंत हो उसे ये एक चीज जरूर मिल जाए। आंसर एकदम सिंपल सा है कि इंसान को अपने जीवन में भले ही धन चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, पर एट लास्ट उसे चाहिए इज्जत। और वो इसलिए क्योंकि इज्जत हमेशा इंसान के कर्मों के हिसाब से मिलती है। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि लोग चले जाते हैं लेकिन उनके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। पर आज मैं ये बार बार इज्जत की बात क्यों कर रहा हूं? आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी ऐसे प्लेयर की बात करने वाला हूं जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप इस वीडियो को बस एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लेयर की जिसके टैलेंट की उसकी किस्मत ने ही हत्या कर दी, जिसे पहली बार में देख के दुनिया ने यह कह दिया था कि भाई ये प्लेयर बहुत आगे जाएगा, जिसे पहली बार में देख के दुनिया ने यह कह दिया था कि यार ये तो एकदम सचिन जैसे शॉट्स मारता है, जिसे पहली बार में देख के दुनिया ने यह कह दिया था कि यार ये तो द्रविड़ जैसा है, आ जाए तो आउट ही नहीं होता है, जिसे पहली बार में देख के दुनिया ने यह कह दिया था कि यही है जो आने वाले टाइम में भारत का सूत्रधार बनेगा। लेकिन जहां हम ये कहते हैं कि ऊपर वाला मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है, तो वहीं हम ये नहीं कहते कि कई बार जिन्हें असल में अपनी जिंदगी का पहलवान होना चाहिए ऊपर वाला उन पे मेहरबान होना ही छोड़ देता है। आज ये एक मेरी कोशिश है उन्हें वो इज्जत दिलवाने की जिसके वो असल में हकदार हैं, क्योंकि मैं कतई ऐसा नहीं चाहता कि जिन लोगों ने पिछले 5-6 साल से ही आईपीएल देखना स्टार्ट किया है उन्हें पता ही ना चले कि इसी आईपीएल में सबसे पहला मिस्टर डिपेंडेबल का टैग कौन लेके घूमता था। उन्हें पता ही ना चले कि जिस मुसीबत से बड़े बैट्समैन नहीं निकाल पाते थे वो कितनी आसानी से निकाल जाता था। उन्हें पता ही ना चले कि एक ऐसा बंदा था जिससे उनकी टीम ने जब जब उम्मीद करी भाई बस आज चल जा, वो हर बार उनकी उम्मीदों पे खरा उतरता था। उसका नाम था सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। हम सब जानते हैं कि राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट की दीवार कहा जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि राहुल द्रविड़ जब तक क्रीज में हैं वो कुछ भी करके टीम को हार तक जाने तो नहीं देंगे। और उसका नतीजा यही होता था कि बड़ी बड़ी टीम के बॉलर थक जाते थे पर वो दीवार टस से मस नहीं होती थी। पर असल में आईपीएल की दीवार थे बद्रीनाथ, एक ऐसा प्लेयर जिसमें कोई बहुत बड़ी छक्के मारने की काबिलियत नहीं थी पर उसे मैच चलाना और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े हारे हुए मैचों को बचाना आता था। उन्होंने सीएसके के लिए 2008 से 2013 तक खेला और उस बीच में उन्होंने ना जाने सीएसके के लिए मिडल ऑर्डर पे आके ऐसे कितने मैच बचा दिए जो पूरे तरीके से उनके हाथ से जा चुके थे। जब भी सीएसके के विकेट जल्दी गिरते थे तो मिडल ऑर्डर में पिच पे हमेशा एक ही बंदा खड़ा रहता था, और फिर से मैं कहता हूं उसका नाम था सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। आज जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसमें से किसी ने भी बद्रीनाथ को लाइव खेलते देखा होगा तो हर कोई उसकी क्लास और टेक्निक से वाकिफ होगा, और सिर्फ वही बंदा मेरी इन बातों को समझ पाएगा। और जो उनके बारे में नहीं जानता है उसे ऐसा लग सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बातें कर रहा हूं, लेकिन सच में अगर आपने उन्हें खेलते हुए नहीं देखा है तो आज एक बार बस मेरी बात मान के उस बंदे को खेलते हुए देखना, उसके शॉट्स तुम्हारे मन को मोह लेंगे। कुछ शॉट्स होते हैं जिन्हें देख के मजा आता है, पर कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के प्यार हो जाता है। बद्रीनाथ का ऐसा था कि फील्ड कैसी भी हो, उसे भले बहुत बड़े बड़े छक्के लगाना आता हो या ना आता हो, पर उसके चौके हर छोटे से छोटे गैप को भेदने की क्षमता रखते थे। यहां तक कि दुनिया ने यह भी कह दिया था कि बद्रीनाथ आने वाले भारतीय क्रिकेट की दीवार बन सकते हैं। आज भी जहां सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर मिडल ऑर्डर में आके गेम चेंजिंग पारियां खेलते हैं पर फिर भी उन्हें लोगों ने मिस्टर डिपेंडेबल बुलाना शुरू नहीं किया, पर बद्रीनाथ ने ये नाम बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया था। पर क्या हुआ जो इतना कुछ होने के बाद भी ये नाम बड़ा ही नहीं बन पाया?
क्या हुआ, जिसके लिए दुनिया ने अपनी आंखों में इतने सपने सजा लिए थे, वो सपने आंख खुलते ही टूट गए। मैं बताता हूं, पर वो जानने से पहले मैं बता दूं कि आज है सुपर संडे, जहां है बड़े मुकाबले पंजाब वर्सेस हैदराबाद और चेन्नई वर्सेस गुजरात। तो हमने तो अपनी गेमजी टीम बनाते हुए मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी को और हार्दिक पांड्या और उथप्पा को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया है। अगर आपने अभी तक आज की टीम नहीं बनाई है तो ये मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि लगभग 90% ऑफ का ऑफर चल रहा है सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मतलब मैं समझा दूं कि आप सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए की लीग में एंट्री कर लाखों रुपए तक अर्न कर पाएंगे, और 100 रुपए की लीग के हिसाब से तो कॉम्पिटिशन और भी कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कई बेहतरीन ऑफर और गिव अवेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज ही सुबह हमने वहां पे 2 लाख का गिव अवे ऑफर भी डाला था। अगर आप नहीं थे तो आपने मिस कर दिया होगा। तो अभी जाएं नीचे दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो सिंपल टेलीग्राम पे ही जाके क्रिकेट टाइम विद जोशी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आईपीएल के एंड होने तक सिर्फ प्लेयर ही लखपति या करोड़पति ना बने, साथ में बने आप भी। और हाँ, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि बद्रीनाथ के करियर में ऐसा क्या हुआ कि उनका सपना आंख बंद करते ही टूट के चकनाचूर हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि बद्रीनाथ ने अपने करियर में इकलौता T20 मैच खेला जिसमें वो पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे, पर पता नहीं क्यों ऊपर वाला उनसे कुछ यूं रुसवा था कि उसके बाद उन्हें और किसी T20 में मौका तक नहीं मिला। सुनने में अजीब लगता है ना, एक ही T20 मैच में खेले, उसी में मैन ऑफ द मैच लिए और फिर कभी खेले ही नहीं। पर क्या करें, कोई चीज अजीब है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सच नहीं है। असल में सबसे बड़ा मसला ये था कि बद्रीनाथ जब डोमेस्टिक क्रिकेट में उगता सूरज बन रहे थे तो भारतीय टीम में ऑलरेडी सचिन, द्रविड, लक्ष्मण जैसे सितारे डोमिनेट करे हुए थे। तो भले बद्रीनाथ रन मारे जा रहे थे पर जब डिमांड ही नहीं लगी तो सप्लाई क्या ही होती। बद्रीनाथ के बारे में जानते सब थे, पर वो 15 के स्क्वाड में भी एंट्री तभी मारते थे जब सचिन, द्रविड़ या लक्ष्मण में से कोई इंजर्ड होता था। कई सालों के बाद जब बद्रीनाथ करीबन 31 साल के हो चुके थे, तब 6 फरवरी 2010 को किस्मत ने बद्रीनाथ का कुछ साथ दिया और तब नागपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे एक टेस्ट मैच में उन्हें मौका दिया गया। और मेन बात यह है कि उस मैच में भी पहले रोहित शर्मा को डिवर्ट करना था, वो तो रोहित शर्मा ठीक मैच से पहले इंजर्ड हो गए, तो चांस मिला बद्रीनाथ को। भारत वो मैच हार गया पर बद्रीनाथ ने अपने टेस्ट डिपट में ही 50 जड़ दिया था, लेकिन स्टिल एक 50 से क्या ही होता। जैसी इंडिया के रेगुलर प्लेयर्स की वापसी हुई, बद्रीनाथ टीम से बाहर कर दिए गए। और उसके बाद जब द्रविड़ लक्ष्मण का एरा एंड होने को आया तो सेलेक्टर्स बद्रीनाथ को छोड़ युवा, मुरली विजय और पुजारा जैसे ऑप्शंस के लिए जाने लगे, जिन्होंने शानदार नॉक खेल बद्रीनाथ का नाम सेलेक्टर्स के मन से ही गायब कर दिया। साल 2011 में जब भारत इंग्लैंड से एक वनडे सीरीज में 4-0 से हारा तो उसमें बद्रीनाथ सचिन की जगह पे गए हुए थे, क्योंकि सचिन इंजरी से जूझ रहे थे। पर वहां भी बद्रीनाथ को एक भी मैच में खेलने का मौका तक नहीं मिला, और उसी सीरीज में विराट कोहली, रहाणे जैसे प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्म करा। वो आखिरी पल था जब बद्रीनाथ किसी स्क्वाड में शामिल हुए, उसके बाद बद्रीनाथ का नाम कहीं सुनने को ही नहीं मिला। बद्रीनाथ उसके बाद भी आईपीएल और डोमेस्टिक में तबाही मचाते रहे, पर भारतीय टीम जहां पहले ऑलरेडी अपने लेजेंड से सजी हुई थी, तो वहीं अब उसे अपने आने वाले फ्यूचर के प्लेयर्स मिल चुके थे। बद्रीनाथ ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 55 की बेमिसाल औसत से 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए, पर क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ बद्रीनाथ की नहीं है, आप डोमेस्टिक में चाहे हजारों रन मार लें, ऐसा करके आप सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजों पे दस्तक दे सकते हैं। मौका आपको तभी मिलता है जब आपका दिन आता है, पर दुख यही है कि कईयों का यह दिन आता ही नहीं है। अगर आप लोग को ना पता हो तो रहाणे ने लगातार 2007, 2008, 2009 में रणजी में 1,000 से ज्यादा रन बनाए, जब वो महज
22 साल के थे, पर मौका कायदे से उन्हें भी तब ही मिला जब सचिन रिटायर हुए और द्रविड़ लक्ष्मण की भरपाई रोहित पुजारा और कोहली जैसे युवाओं ने कर दी। तो असल में बद्रीनाथ को मौका ना मिलने का कारण उनकी एज बन गई। पर यहाँ पे मैं किसी को गलत या सही बोलने नहीं आया था, बस एक मैसेज देने आया था कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना बड़ा नाम नहीं होते, पर फिर भी एक दुनिया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट नाम की, जहां वो लेजेंड के नाम से जाने जाते हैं, जहां लोग विराट कोहली रोहित शर्मा से पहले बद्रीनाथ की वीडियो देख के सीखते हैं, पर ये बातें सामने नहीं आती क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है। उम्मीद करता हूं इस कहानी से मैं कहीं ना कहीं उस खोए सितारे की इज्जत को कुछ हद तक बढ़ा पाया हूंगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। क्या आप बद्रीनाथ के बारे में जानते थे और क्या आपने उन्हें लाइव खेलते देखा था? कमेंट में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड कर आज के दोनों ही मैच की टीम बनाना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, कि जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसे 1% भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आज एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।